बेमेतरा में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल का 8वां एनुअल डे मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। प्रोग्राम में कैमचो और जय हो गाने में दर्शक झूमते नजर आए। साथ ही पिता पर बनाए गए स्टोरी ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर डीबी पानी ने कहा कि ग्रामीण परिवेश होने के बाद भी स्कूल में शहरों जैसी सुविधाएं हैं। वहीं स्कूल संचालन के सफलतापूर्वक 8 साल पूरे होने पर डायरेक्टर भावना बोहरा भी काफी खुश नजर आई और जल्द ही गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की बात कही। एनुअल डे के मौके पर स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया गया। और आज हमने सक्सेसफुली 8 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है। और एक बात आप लोगों से शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम नेक्स्ट सेशन में गर्ल्स हॉस्टल की भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो मेरा ऐसा अनुमान है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शायद हम ऐसा पहला इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं जो गर्ल्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और मतलब सारी फैसिलिटीज उसके अंदर हमने कोशिश की है कि उनको वहाँ अवेलेबल करा सके। तो हमारा नया जो एक इसमें एक और नया आयाम जुड़ने वाला है गर्ल्स हॉस्टल के रूप में। कम्प्लीटली जो है यहाँ पे एजुकेशन का इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये स्कूल आने के बाद जो हमको खबर मिला है, ये खाली बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, इवनिंग रायपुर का भी स्टूडेंट भी यहाँ पे आकर पढ़ रहे हैं, बिलासपुर में भी स्टूडेंट्स आकर पढ़ रहे हैं। ये स्कूल अपने आप नाम ने बना लिया है और ये डेफिनेटली कमिंग ईयर्स में छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आएगा। बच्चे बहुत खुश रहते हैं और पेरेंट्स आ जाए तो बच्चों का उत्साह और ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए अब 24 के साथ। नमस्कार।